हेलो गाइज, मैं निर्मला, आप सभी का कंप्यूटर लॉजी में स्वागत करता हूँ। आज पावर पॉइंट का फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ वीडियो। ओके, आज मैं आपको कंप्लीट एनिमेशन इफेक्ट के बारे में समझाऊंगा। और ओके, प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज का वीडियो आपके काम भी आएगा। साथ में अगर आप ये अच्छे से देख लेते हो तो आपको इतना पता लग जाएगा कि एनिमेशन इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें कोई कंडीशन लगा सकते हैं। जो भी एनिमेशन इफेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो आज के वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके गाइस, मैंने पावर पॉइंट ओपन कर रखा है, एक सिंपल प्रेजेंटेशन तैयार किया। देखो इसमें 13 स्लाइड्स हैं। अगर मैं अभी इस पे स्लाइड शो करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैंक है, Fn की के साथ F5 की, या आप F5 करके कर सकते हो। देखो मैंने इस पे कोई एनिमेशन इफेक्ट नहीं दिया, बिल्कुल ब्लैंक है। एरो की या माउस से क्लिक करोगे आप आगे बढ़ते जाओगे। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें एक पेज एनिमेशन इफेक्ट लगाता हूँ। आप चाहते हो कि हर पेज जैसे ही आप एनिमेशन इफेक्ट शो करो या अपनी स्लाइड्स दिखाओ तो कुछ इस टाइप से दिखे। ओके, मैंने कुछ इस टाइप से लगा दिया, मैं चाहता हूँ कि कुछ इस टाइप से दिखे। यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर, और मैं उस दिन भी बता चुका था आपको, आपको यहाँ से ऑन माउस क्लिक रिमूव करना है और आफ्टर पे क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है। ओके, और जैसे कीबोर्ड से आप स्लाइड शो करोगे या व्यू बटन से भी कर सकते हो, यहाँ से स्लाइड शो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ओके, देखो अपने आप स्लाइड चल रही है। अब ये तो था ट्रांजिशन इफेक्ट। अब हम एनिमेशन इफेक्ट के बारे में बढ़ते हैं आगे। पहले भी बता चुका हूँ लेकिन इसका आज कंप्लीट चैप्टर है आपका। जैसे मैंने यहाँ से फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करना है कभी भी, जैसे ये सिलेक्शन होती है ऊपर ये 4 एरो बने हुए आएंगे, आप क्लिक कर लेंगे। डिफरेंट टाइप के एनिमेशन होते हैं। देखो यहाँ पे नन मतलब नहीं, अगर आपको आपने एनिमेशन अप्लाई कर दिया है, अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो आप किस पे क्लिक करोगे, नन पे क्लिक करोगे, नो एनिमेशन इज इन यूज। और अगर इसके अलग अलग टाइप है, देखो एंट्रांस टाइप से है, इम्फेसिस है, एग्जिट एनिमेशन इफेक्ट है, मोशन पास है, बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट होते हैं। अगर इनके बारे में नीचे आओगे, मोड मतलब और इतने तो शो कर रहा है जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इनसे भी ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाओगे। सपोज करो मुझे मोर इम्फेसिस इफेक्ट अप्लाई करने, तो मैं मोर पे क्लिक करूंगा। अब इस पे आप कौन सा इफेक्ट देना चाहते हो क्लिक करो, मैंने ग्रो एंड श्रिंक दे दिया। देखो इस विन में कुछ इस टाइप से दिखेगा, डिस्प्ले दिखता है। और अगर आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हो कि कलरिंग चेंज हो जाए, लाइन कलर के बारे में, ओके, और ब्रश कलर, उस टाइप से कुछ इफेक्टिंग शो करता है। देखो मैंने इस पे दे दिया ग्रो एंड श्रिंक। ओके, प्रीव्यू पे क्लिक कर रखा है इसलिए प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक नहीं करोगे तो इसका प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा आपको। ओके, फिर ओके कर दिया। देन मैं सेकंड इसी के पार्ट में आया, जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। मैंने अगेन अपने एनिमेशन पे गया, क्लिक किया उस पूरे कम्प्लीट उस पे, और देन यहाँ पे मैंने इस बारी कर दिया एंट्रांस इफेक्ट में मोर एंट्रांस इफेक्ट। ओके, अब यहाँ से आपको क्या चीज चाहिए, आपको बॉक्स इफेक्ट की चाहिए तो बॉक्स टाइप बन के आएगा ये। ओके, डिजॉल्व वाला चाहिए तो डिजॉल्व टाइप से आएगा, मैंने डिजॉल्व वाला ले लिया। ओके, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो। और उसी प्रकार मैंने कुछ सेकंड वाले में दे दिया, देन इस पे क्लिक किया, रेक्टेंगल जैसा बना हुआ आएगा, क्लिक करोगे। इस बारी में कुछ एग्जिट इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, मोर एग्जिट इफेक्ट पे जूम कर दिया। ओके, देन ओके कर, और देन मैं इस पे गया अगेन, अगेन एग्जिट पे ही आया और यहां से मैंने इफेक्ट अप्लाई कर दिया ड्रॉप। ड्रॉप में कुछ इस टाइप से दिखेगा। ओके, नीचे से अलग अलग आप कर्व डाउन करोगे, कर्व डाउन में कुछ इस टाइप से दिखेगा, एग्जिट इफेक्ट है, बाहर की तरफ दिखाई देगा। ओके ओके कर दो, देन लास्ट वाले पे आया स्लाइड पे, और यहाँ पे हमने क्लिक किया जो भी आप इफेक्ट देना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लावर्स ले रखा है, अब मोशन बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है आपको किस टाइप की शेप चाहिए। मोर मोशन पास पे जाओगे, मुझे स्क्वायर में चाहिए, मुझे ऑक्टगोन में चाहिए, मुझे किस शेप में चाहिए। सपोज करो मुझे चाहिए 4 पॉइंट स्टार पे, देखो 4 पॉइंट स्टार टाइप से बनाओ, कर्व में चाहिए,
किस टाइप से चाहिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके कर्व राइट चाहिए तो कर्व राइट आ रहा है, देन ओके कर। खुद भी बना सकते हो शेप, यहाँ पे शेप्स आ रही हैं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे क्लिक करोगे, देखो ये आपको लाइन्स चाहिए, शेप चाहिए, लूप चाहिए, मुझे लूप ले लिया। ओके लूप टाइप से। अब हमने एक कंप्लीट एनिमेशन अप्लाई कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूं कि जो मैंने इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म में एक एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया है, ओके अब यहाँ पे जाओगे आप एनिमेशन पेन पे तो दिखाएगा ये, देखो यहाँ पे हमारा एक इफेक्ट अप्लाई हुआ, देखो देन यहाँ पर एक हुआ। अब अगर आप इस पे और एक एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, एक तो है ही ऑलरेडी, आप चाहते हो कि एक सेकंड एनिमेशन इफेक्ट भी आए, तो आप किस में जाओगे, ऐड एनिमेशन पे। देखो यहीं पे जो एनिमेशन टैब पे जाके यहाँ पे आता है ऐड एनिमेशन, देखिए माउस से मूव कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन को, आप ऐड एनिमेशन पे जाओगे, जो भी इसमें एनिमेशन ऐड करोगे तो पहले वाला एनिमेशन भी शो करेगा, उसके साथ साथ दूसरा एनिमेशन भी शो करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे बाउंस इफेक्ट अप्लाई कर दिया, देखो अब फर्स्ट में जो मैंने अप्लाई किया था वह शो करेगा, देन सेकंड इस पे क्या करेगा, बाउंस इफेक्ट भी दिखाएगा। मींस कि इसका मतलब ये निकला कि आप एक इफेक्ट के साथ दूसरा इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब ऐड एनिमेशन की हेल्प से और एनिमेशन पेन की हेल्प से। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, अगर आप सपोज करो आप बाउंस इफेक्ट नहीं चाहते हो, इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक आएगा, यहीं पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, देखो ये रिमूव हो गया। अब सिर्फ पर्टिकुलर इस पे एक इफेक्ट है बस, जो आपने पहले से ले रखा, आप प्ले करके भी देख सकते हो, प्ले करो ये इफेक्ट है। और दूसरा इस पे अगेन आपको दिखाता हूँ एक बारी, मैंने ऐड एनिमेशन पे गया, यहाँ पे इफेक्ट डाल दिया, इस बारी डिसअपीयर। ओके प्ले करके देखते हैं। ओके इस टाइप से दिखा, देखो अब यहाँ पे थ्री इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब नीचे तो आप इस पे राइट क्लिक करके क्या करोगे, रिमूव करोगे। इसके और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे आप एनिमेशन पेन पे जाओगे, राइट क्लिक कर दोगे या डबल क्लिक कर दो इस पे, ऑटोमेटिकली जैसे आप इफेक्ट पे डबल क्लिक करोगे, इफेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे, आपको कितने परसेंटेज साइज किस हिसाब से चाहिए, कुछ साउंड तो नहीं चाहिए, आप साउंड बाहर से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी ऑप्शन है, आपको कौन सा साउंड चाहिए, एरो टाइप साउंड चाहिए या बॉम्ब साउंड चाहिए, जो भी साउंड है इसमें चाहिए आप ऐड कर सकते हो। ओके और आफ्टर एनिमेशन या एनिमेशन आफ्टर एनिमेशन के बाद कुछ देखना चाहते हो, मतलब जैसे ही आपका एनिमेशन कंप्लीट हो आप उसमें कलर चाहते हो तो मोर कलर पे जाकर जो भी आप कलर करोगे, जैसे इसमें एनिमेशन कंप्लीट होगा कुछ इस टाइप से कलर दिखाएगा। अभी ऑलरेडी रेड तो है ही, मैं दूसरा कलर दे लेता हूँ, इसमें कर देता हूँ ग्रीन। ओके ये भी अच्छा ऑप्शन है। एनिमेशन टेक्स्ट मतलब कि जैसे सपोज करो हमारा एक वर्ड है, मतलब एक सेंटेंस है इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म, अगर ऑल एट वंस करोगे तो एक बारी में दिखेगा, अगर बाय वर्ड करोगे तो बाय वर्ड वाइज दिखेगा, और बाय लेटर कर दोगे बाय लेटर वाइज दिखेगा। मैं एक बारी बाय लेटर करके आपको एक बारी प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, देखो। ओके देखो इस टाइप से दिख रहा है, देखो अभी जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट हुआ कुछ इस टाइप से कलर आया, देखो अगेन मैं प्ले करता हूँ, ये इफेक्ट था देखो। अब जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट होगा जो कलर हमने ऐड किया उस कलर में दिखाएगा, देखो। ओके गाइस कुछ इस टाइप से आप कंडीशन लगा सकते हो, कुछ नहीं करना है, जिस भी इफेक्ट पे इस टाइप से आप अप्लाई करना चाहते हो उस एरिया को सिलेक्ट करोगे, देन उस पे डबल क्लिक करोगे, जैसे ही डबल क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा डिजॉल्व इन, इसमें इफेक्ट लगा हुआ है और यहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहते हो आप, और देन साउंड कौन सा देना चाहते हो, एनिमेशन टेक्स्ट कैसे दिखाना चाहते हो, ऑल एट वंस, बाय वर्ड, बाय लेटर, जैसे भी अभी ऑलरेडी ऑल एट वंस सिलेक्ट है। ओके कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी इससे प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके गाइज अब कुछ इस टाइप से है यहाँ पर। ओके कुछ ये एनिमेशन पेन था, ये इफेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर भी दिखा रहा है, देखो एज एन ऑब्जेक्ट, ऑल एट वंस, बाय पैराग्राफ, आप जैसे भी एनिमेशन देखना चाहते हो यहाँ से भी देख सकते हो। मीन्स कि गाइज आप इस तरीके से कंप्लीट एनिमेशन अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। ओके जिसमें इतने टाइप के आपके एनिमेशन होते हैं, इसके अगर मोर में जाओगे तो इससे और बहुत सारे एक्स्ट्रा एनिमेशन आपको दिखेंगे, और साथ में अगर आपकी उसकी कंडीशन से लगाना चाहते हो तो आप एनिमेशन पेन को ओपन करोगे यहाँ से, अगर आप उसमें कोई
साथ में एक के साथ दो या दो से अधिक एनिमेशन ऐड करना चाहते हो तो किस पे जाओगे आप, ऐड एनिमेशन पे जाओगे, ऐड एनिमेशन पे जाके आप ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन आते हैं, एक एनिमेशन के साथ साथ दूसरा एनिमेशन भी शो होगा। मीन्स कि अगर हमने जूम वाला इफेक्ट अप्लाई कर दिया, आपने अगर अपीयर लगाना है, फेड इफेक्ट लगाना है, वीप इफेक्ट लगाना है, शेप इफेक्ट लगाना है, एक टाइम पे आप बहुत सारे एनिमेशन शो कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप खुद भी अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो प्लीज आप अप्लाई करके जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको आइडिया रहेगा कि एड एनिमेशन का बेनिफिट क्या है। ओके, कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब एक बार हम फाइनली इसको ओके करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने तीनों पे एनिमेशन लगा रखा है, देन हमने क्या किया यहाँ से स्लाइड शो कर दिया। अब एक एक करके देखो, फर्स्ट स्लाइड थी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स वाली, ऑटोमेटिकली हमने ऑन माउस क्लिक को रिमूव करके आफ्टर पे क्लिक किया हुआ है, एक के बाद एक स्लाइड दिखा रहा है। देखो अब देखो इस टाइप से हमने प्रेजेंटेशन ली थी, देन लास्ट ओके गाइज प्लीज अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है तो ये आप ऑप्शन अप्लाई करके देखें, और इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू आए तो मेरे को टेक्स्ट मैसेज करें। थैंक यू।